चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई क्या है जाए जलता जा। अरे मोमो रो मत, अब ऐसा भी क्या हो गया है? ओ, क्या हो गया माँ जी, क्यों रो रही हैं आप? मुझे आपने क्या कह दिया है माँ जी को? अरे मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि रो मत। और माँ जी रो पड़ी। अरे नहीं भाई, ये बात नहीं है। तो फिर बताएं क्या बात है, बताएं माँ जी क्यों रो रही हैं आप? गुजर गए कहाँ से? तो माँ जी इस दुनिया से कौन से, वो पुल के नीचे थे जो गुजर गए यार। ओहो नबील, तो इसमें ऐसा रोने वाली कौन सी बात है, बेचारे की उम्र भी तो इतनी हो गई थी ना। मेरा बाप जिंदा है अभी। आप रो क्यों रही हैं इस तरह? मैं उन्हें वो कर रही हूँ। वो क्या? वो जो बच्चों को पढ़ाती है ना। टीचर? नहीं, वो जो टीचर को इंग्लिश में कहते हैं ना वो। माँ जी टीचर इंग्लिश का ही वर्ड है। मिस? हाँ मिस, मैं अपने अब्बे को बहुत मिस कर रही हूँ। अरे तो इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है माँ जी, नाना अब्बू को यहाँ बुला लेते हैं। क्यों खूबसूरत? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है नबील। मैं तंग आ गई हूँ तुम लोगों के रिश्तेदारों से। कोई एक ढंग का आदमी नहीं है तुम्हारी फैमिली में। खूबसूरत तुम शायद भूल रही हो कि वो नबील के नाना है। महमूद साहब आप शायद भूल रहे हैं कि मेरे पापा ने सिर्फ आप लोगों के खर्चे का ठेका लिया हुआ है, आप लोगों के चीफ खानदान का नहीं। ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे अब्बे को चीफ कहने की? वो आपके अब्बा है और नबील के नाना। अब चीफ ना कहूँ तो और क्या कहूँ? खूबसूरत शर अब नबील। अब माँ जी मेरा ख्याल है आप नाना अबू के साथ फोन पे ही बात कर लें यार। वैसे यार नबील ये कोई तरीका नहीं है। हाँ यार महमूद साहब, माँ जी को सेब काट कर खाना चाहिए, हो सकता है बीच में से कीड़ा निकला है। अरे मैं खूबसूरत की बात कर रहा हूँ भाई। लेकिन खूबसूरत को सेब पसंद ही नहीं है महमूद साहब, हालांकि उसको खाना चाहिए। फजूल बातें मत करो, तुम्हारी बीवी ने आज बड़ी बेइज्जती की है हमारी नबील। हाँ यार महमूद साहब। अरे हम कोई गिरे पड़े लोग नहीं है। हाँ। हम भी बड़े खानदानी लोग हैं। अच्छा, और नहीं तो क्या। अरे तुम्हें नहीं पता मेरा खानदान तो बहुत ही बड़ा है। 12 चचे हैं, तो फिर 7 फुफियां, तो फिर अपने इनके कई बहन भाई हैं। अरे तुम चुप करो, एक तो मैं तुम्हारी हमायत कर रहा हूँ, ऊपर से तुम मेरा ही मजाक उड़ा रही हो। I am sorry जी। ओ यार महमूद साहब छोड़ें यार, आपको तो पता है खूबसूरत का मुंह फट है, बदतमीज है। अगर हम खूबसूरत के बाप के पैसों पे पलते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम बेगैरत हो गए हैं। महमूद साहब इसका और क्या मतलब है? अरे मतलब क्या, भाड़ में हमारे रिश्तेदारों को चीप कह रही है, खुद उसके जैसे बहुत बड़े आला रिश्तेदार है। हाँ उसका तो सगा बाप मुझे खानदानी नहीं लगता। वो मेरे बाप को चिप्स कह रही थी चीप। हाँ वो मेरे बाप को चिप्स कह रही थी चीप। महमूद साहब उसने मेरे नाना की बेइज्जती की है ना, उनको आने से रोका है ना। आने दे महमूद साहब इसका कोई रिश्तेदार, मैं बताऊंगा उसे फिर। ये हुई ना बात मेरे शेर। और जाए माँ जी, देखे दरवाजे पे कौन है। वश्य वश्य। मेरा नाम टॉमी है। नहीं शक्ल का तू अच्छा भला है, तो नाम कुत्तों वाला क्यों रखा है? एक्सक्यूज मी, तमीज से बात करें मुझसे। फिर तो तू अपना नाम बदल दे पहले। ओ गॉड, खूबसूरत कहाँ है? कौन खूबसूरत? खूबसूरत सिद्दीकी अंकल की बेटी। ना तू खूबसूरत का कौन है? मैं उसका कजन हूँ, उससे मिलने आया। और वो घर पे नहीं है? चले मैं उसका इंतजार कर लेता हूँ। खबरदार जो घर के अंदर कदम भी रखा हो तूने। अरे मैं लंदन से आया हूँ। बकवास ना कर, मैंने पूरी दुनिया घूमी हुई है, मुझे लंदन छंदन के भरम ना दे। ओह रियली, आप लंदन आई हैं? बस लंदन ही नहीं गई। अमेरिका? ना वहाँ जाके मैंने क्या करना था। यूरोप? यूरोप तो मुझे पसंद ही नहीं है। तो फिर गई कहाँ है आप? मैं मरी गई हूँ बच्चू। हैं? चल अब दफा हो जा, मुझे गर्मी में क्यों खड़ा रखा है तूने। है अरे मेरी बात तो सुन।
कौन आया था मोमो? कहाँ पर? अरे दरवाजे पे माँ जी। उधर कोई स्मार्ट वाला लड़का था। स्मार्ट लड़का? हाँ जी हाँ जी, इसकी बीवी का पूछ रहा था। क्या? हाँ कह रहा था कि मैं इसकी बीवी का वो हूँ। क्या? वो क्या? वही वो जो लड़की का लड़का होता है। अरे क्या होता है भाई? अरे छोड़े महमूद साहब, क्यों मुझे हार्ट अटैक कराना है? माँ जी और क्या कह रहा था? उधर कह रहा था शुमेला को बुलाए और कहें कि मोती आया है। मोती आया है? हाँ जी, और वो उसके लिए गिफ्ट लाया है। अच्छा, मोती गिफ्ट में लाया है? नहीं जी, मोती गिफ्ट लेकर आया, गिफ्ट। अरे ये क्या बोल रही है नबील, चलाओ हम खुद चल कर देखते हैं। ओ नहीं, मैं उसा नहीं जाऊंगा। अरे कोई तुम्हारी बीवी का पीछा करते करते गिफ्ट लेके घर तक आ गया है और तुम उसे आसानी से जाने दोगे? माँ जी, क्या वो देखने में मुझसे ज्यादा? हाँ, तुझसे ज्यादा हसीन था। ओ माँ जी, मुझसे ज्यादा ताकतवर है क्या? और नहीं पुत्र, तीला जैसा था। देख लेते हैं उसकी ये जुर्रत कि मेरी बीवी को आकर दरवाजे पे छेड़े। जा आ जाए, आ जाए, आ जाए, मेरे साथ आ जाए। अबे कौन है तू? मैं टॉमी। और टॉमी हो या मोती हो, यहाँ क्यों आया? मैं खूबसूरत से मिलने आया। क्या? अरे हिम्मत तो देखो इसकी, तुमसे कह रहा है कि खूबसूरत से मिलने आया है। ओए, मैं शहर हूँ खूबसूरत का। ओह अच्छा अच्छा, कैसे हैं आप? खूबसूरत को बुला दे, उससे कहें कि टॉमी उससे मिलने आया है। क्या क्या तेरी ऐसी की तैसी है? ये क्या बदतमीजी है भाई? अबे तू जो कर रहा है वो कौन सी शराफत है बे? मैंने क्या किया है? अभी बताता हूँ तूने क्या किया है। क्या हो रहा है यहाँ पे? जानू ये शख्स तुम्हारा पीछा करते करते हमारे घर तक आ गया है। अरे तेहूर, तुम कब आए? नबील छोड़ो इसे, कजन है मेरा। बस थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। जानू ये तैमूर नहीं है, टॉमी है। टॉमी टॉमी टॉमी, इसका नाम तैमूर है नबील, प्यार से हम इसे टॉमी कहते हैं। क्या? I'm sorry टॉमी, मेरे हस्बैंड का दिमाग थोड़ा खराब है। How old are you? ये खूबसूरत इसे प्यार से टॉमी क्यों कहती है नबील? ओ यार महमूसा, मुझे गुस्सा मत दिलाए, मेरे पहले दिमाग खराब हो रहा है। हाँ वो तो खूबसूरत अपने कजन के सामने बता ही चुकी है। आ जाओ जी बैठो। थैंक यू। ये क्या? ये पेंटिंग है, मेरे दोस्त ने यहाँ मंगवाई। ये तुम किस प्राइमर को घर में घुसा के इसे हंस हंस के बातें कर रही है जमीला? खूबसूरत तो खूबसूरत है, तो क्या घर में बुला लेगी तू? है माँ जी, ये मेरा कजन है, लंदन से मुझे मिलने आया है। क्यों? तुझसे मिलने क्यों आया है ये? What? Not what? इस घर में ये सब नहीं चलेगा। माँ जी आप शायद भूल रही हैं कि ये घर मेरा है, यहाँ जो मैं चाहूंगी वो चलेगा। आप भी अब मुझे अपने कमरे में चलती हुई नजर आए। खूबसूरत तुम मेरी बीवी की बेइज्जती कर रही हो, वो भी इस टॉमी के लिए। महमूद साहब आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ भी ये करूं? मोमो आओ हम अंदर चलते हैं, हमारा क्या ताल्लुक इस बात से? नबील जाने उसकी बीवी जाने। हाँ, चलो हमें क्या पड़ी है भाई, इधर खड़े होने की है। चलो। तुम्हारा सामान कहाँ है? सामान मेरा होटल में रखा। क्या तुम होटल में रहोगे? बिल्कुल नहीं, इतना बड़ा घर है, तुम यही रहोगे? अरे यार दो दिन के लिए तो आया हूँ, क्या फर्क पड़ता है? तो बस दो दिन के लिए भाई, तुम अब इसी घर में रहोगे। अपना सामान मंगवा लो होटल से, मैं कुछ नहीं जानती। तुम बिल्कुल वैसी ही हो, खूबसूरत। तुम भी बिल्कुल नहीं बदले। खूबसूरत क्या है? अंदर आओ, जरूरी बात करनी है। आ रही हूँ। टॉमी तुम रिलैक्स करो, मैं भी आती हूँ। ठीक है, श्योर। मुझे ये कौन सा कजन है तुम्हारा? मामू का बेटा है मेरा, लंदन से आया है। लेकिन मुझे तुम्हारी इसके साथ फ्रैंकनेस बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कोई जरूरत नहीं है इसको यहाँ रोकने की, इसे बोलो यहाँ से जाए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? कजन है मेरा, बड़े सालों बाद आया और इसी घर में रहेगा। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ। ठीक है, अगर वो यहाँ रहेगा तो फिर मैं चला जाता हूँ। शौक से जाओ। यहाँ से मतलब जानू मैं लॉन में जा रहा हूँ। भाई तुम्हारा कजन है, जितना चाहे रह सकता है वो, मुझे क्या रात हो सकता है। तवा, क्या जमाना आ गया है, देखें जरा है। बीवी मिये को मुंह नहीं लगा रही तो कजन से अपने हंस हंस के बात कर रही है, अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये मॉडर्न जमाना है मोमो, अमीरों में ये सब चलता है। क्यों नबील? महमूद साहब आप लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। यार वो जो हम लोगों को आनी चाहिए वो शर्म है। हाँ
टॉमी जो है वो खूबसूरत का मामूजाद भाई है, को गैर थोड़ा है ना। तुझे कैसे पता चला कि वो उसका मामूजाद भाई है? अरे तुम्हें तो ये आज ही पता चला है कि खूबसूरत का कोई मामू भी है। हाँ यार, बात तो आप लोग ठीक कर रहे हैं। वैसे पुत्र तू भी ना बड़ा वो है। वो क्या माँ जी? कमीना। और नहीं, वो जो बिल्ली का बच्चा होता है ना वो। अरे बिल्ली का बच्चा तो बिल्ली का बच्चा होता है मोमो। माँ जी क्यूट। हाय, मैं सदके जाऊँ तेरी मासूमियत के। हाँ हाँ, मासूम मासूम, तू बड़ा मासूम है पुत्र। तेरी बीवी ने जो बोला तूने मान लिया। तो और मैं क्या करूं माँ जी? अरे तो थप्पड़ लगाओ खूबसूरत को, और उसका वो जो टोमी है उसको दो लाते मार के घर से बाहर निकालो। अच्छा। हाँ ए, बता दे आज तू किस गैरतमंद माँ का पुत्र है। खड़ा हो और जा अंदर। ठीक है माँ जी। नबीर, जल्दी से तैमूर के लिए तंदूर से गरम गरम रोटी लेकर आओ, उसे भूख लग रही है। क्या लख दिया लांता, मैं तेरी जगह होती ना तो गुट मरोड़ के ना चूल्हे छपा देंदी। माँ जी, आप क्या सारा दिन फारिग बैठी रहेंगी या कोई काम भी करेंगी? आए किचन में मेरी मदद करें प्लीज, खाना लगाने में। आई मेरी बच्ची। भाई खूबसूरत, अरे भाई को काम वाम है तो मुझे भी बता दो, हमें भी तो कोई मौका मिले टॉमी की खिदमत करने का। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई गाए जाए जलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए जलता जा। शादी करने में बहुत जल्दी कर दी। हाँ भाई, मैं तो हमेशा से यही कहता आ रहा हूँ उसे। बस यार, किस्मत में जो लिखा है उसे कौन टाल सकता है। लगता है तुम खुश नहीं हो खूबसूरत। महमूद साहब, आपने चाय रखी थी चूल्हे पे? हाँ। तो वो खुद तो चल के नहीं आ जाएगी ना यहाँ पे? तुम दोनों को अकेले में बातें करने का मौका चाहिए ना? शरीर। इस औरत ने सारी हदें पार कर दी हैं। किस चीज की माँ जी? वही जिसके बाद मियाँ का खून खौलता है। ऐसा क्या हो गया माँ जी? तुम्हें बेशरम, बेहा बेशरम, बेशर्मी। इस औरत ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं और तू यहाँ चुप बैठा हुआ है बगैरत। माँ जी मैं क्या करूँ? तू कुछ ना कर, लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। ओ माँ जी, आप क्या खूबसूरत को मारने जा रही है? ओ नहीं, मैं टीवी देखने जा रही हूँ। कुत्ते! नबील, मेरा मतलब टॉमी, तू मेरा घर खराब करने आया है। मैंने क्या किया भाई? अरे और क्या करेगा, जब से आया है मेरी बीवी पर डोरे डाल रहा है। ये किस किस्म की घटिया बातें कर रहे हो तुम? तुम चुप करो बेवफा औरत। What? अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती अपने शौहर के सामने इस टॉमी से हंस हंस के बातें कर रही हो? तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो नबील? अरे अपनी आंखों से देख रहा हूँ तुम दोनों को सुबह से। तुम इतना गिर जाओ कि नबील, मैं सोच भी नहीं सकती थी तुमने मेरे कजिन को क्या क्या बोला है। ओह गॉड, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। शर्मानी चाहिए तुम्हें नबील, तुम एक अमीर और शरीफ आदमी पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं उस आप बीच में मत बोले। तुम जो भी बकवास करते रहोगे मैं सुनता रहूंगा, जबकि मुझे पता चल चुका है कि ये अमीर आदमी है, तो फिर मैं तुम्हारी साइड क्यों लूंगा भाई? बहुत हो गया। बाकी बहुत हो गया नबील। बहुत हो गया है जानू, तो फिर निकालो इस टॉमी को घर से। ये कहीं नहीं जाएगा, अब तुम इस घर से जाओगे। क्या? हाँ। तुम इस घटिया आदमी की वजह से अपने शौहर को घर से निकालोगी? अरे घटिया आदमी ये नहीं, तुम हो नबील, तुम। महमूद साहब आप चुप करें, मैं यही बात खूबसूरत के मुंह से सुनना चाहता हूँ। नबील, घटिया ये नहीं, तुम हो। अब दफा हो जाओ यहाँ से। ओके जाना। अरे बाहर का दरवाजा इधर है, उधर नहीं। तो क्या सामान ना पैक करूं? वो जो तुमने पैक करना है वो सामान है। हाँ जी। ब्रेकिंग न्यूज, लंदन के एक म्यूजियम से नायाब पेंटिंग चोरी हुई है। एक मिनट रुक जा।
जी हाँ, यही है वो करोड़ों की पेंटिंग जिसे लंदन आर्ट म्यूजियम से चुराया गया। खूबसूरत ने मुझे घर से निकाल दिया टॉमी के चक्कर में। चुप रह, मुझे भी डिस्टर्ब मत कर। ओ माँ जी, आपकी बहू ने आपके बेटे को घर से निकाल दिया और आप बेटे टीवी देख रही है। ओए, इस टीवी पे ये वाली तस्वीर आ रही है। जी हाँ, यही है वो करोड़ों की पेंटिंग जिसे लंदन आर्ट म्यूजियम से चुराया गया। क्या? अबे आगे तो सुन ले। लंदन पुलिस का मानना यह है कि ये करोड़ों की पेंटिंग एक पाकिस्तानी ने चुराई है और इस वक्त ये पेंटिंग पाकिस्तान में है। करोड़ों की इस पेंटिंग को हासिल करने के लिए लंदन पुलिस ने पाकिस्तानी पुलिस को इस काम पे लगा दिया है। अगर आप में से किसी को भी इस पेंटिंग का पता चले तो फौरन बट साहब को कॉल कीजिए। ये साला चोर है। मामोज साहब क्या हो गया? बहुत ही बेशरम हो यार, गए नहीं अभी तक? जाएगा तो वो टॉमी और वो भी जेल। ये देखें। कहाँ देखूं? अबे महमूद, ये देख, ये हाँ, ये पेंटिंग है जो चोरी हुई है, करोड़ों की पेंटिंग। ये तेरे घर पे पड़ी है। अबे साले, तुम लोग अमीर हो गए, वो सारा चोर निकला। बड़ी तारीफें कर रहे हो शख्स की। चोर निकला है, वो भी इंटरनेशनल। अरे मैं कहाँ तारीफें कर रहा था, मुझे तो वो शक्ल से ही उचक्का लगा। वो तो तुम्हारी बीवी उसके साथ फ्री होके बातें कर रही है। अब बुलाए ना उसे, दिखाए उस घटिया आदमी की करतूतें। खूबसूरत क्या है, क्यों चला रहे हैं? ये देखो, यही है वो करोड़ों की पेंटिंग जिसे लंदन आर्ट म्यूजियम से चुराया गया। तो इसमें क्या है, पूरी दुनिया में पेंटिंग्स चोरी होती हैं यार। लेकिन चोरी होकर हमारे घर में नहीं आती। ओह गॉड, टॉमी ये काम करता है? तभी मैं कहूँ इतनी जल्दी उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? और उस घटिया आदमी की वजह से तो ने मेरे पुत्र को जलील किया है। वो तो मैंने ठीक किया था। मैं मुझा अब अभी पुलिस को फोन करें और टॉमी को पुलिस के हवाले करें। मुझे तो इसका नेटवर्क पकड़ना था। वेरी गुड बट साहब। तो जरा पूछे इससे किन लोगों के लिए काम करता है ये? वो तो इसने बता दिया। अच्छा? हाँ, और गिरफ्तार कर लो इनको। ओ भाई, हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? और इसलिए कि ये तुम्हारे लिए काम करता है और इसने अपना एतराफी बयान लिखवा दिया है। क्या? महमूद साहब, ओ यार, ये आपको क्या हो गया? चुपे, मेरा नाम महमूद नहीं, दिलशाद है, दिलशाद। ओ यार, तुम्हारी माँ अंदर नहीं है, थोड़ी देर पहले बाहर निकली थी, कह रही थी उसे भूख लग रही है। माँ जी, आपको क्या हो गया? अच्छा, तो इस लड़की को ठीक करना, अभी करता हूँ। ओ भाई, इसे ठीक नहीं करना। फिर किसे करना है? वो दोनों अंदर हैं। कौन दोनों? जिनको ठीक करना है। दोनों को मैं ठीक नहीं करता। यार क्या हो गया है तुम लोगों को, इस मनहूस बॉबे को हमारे पीछे क्यों लगाया हुआ है? अबे मैं नहीं कर रहा इलाज इनका, ये तो बहुत हाथ चूटे मिलने जा रहा हूँ यार। बाबा जी प्लीज, ऐसा मत करें, आपको पैसे मिलेंगे ना। अब भाई, पहले इनके हाथ बांधो, फिर मैं इनका इलाज करूंगा। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया।